नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदिल और ये है न्यू बेलेनो। आज प्रॉब्लम लेके आए हैं इन्फ्लेटर एयरबैग सर्किट ड्राइवर सेट मॉड्यूल का कोड आ रहा है, उस कोड को हम डायग्नोस करेंगे। चलिए देखते हैं कोड क्या आ रहा है। और जब भी हम लोग देखिए गाड़ी व्हीकल स्टार्ट है, फिर से एक बार ऑफ करके ऑन करते हैं। ये देखिए ऑफ हो गया, यहाँ से हम ऑन कर लेते हैं। तो ये जो देखिए सिंबल आ रहा है एयरबैग का आ रहा है, न्यू बेलेनो है, काफ़ी इसमें दिक्कत आ रही थी। तो न्यू गाड़ी आई है, थोड़ा सा डायग्नोस करने में टाइम भी लगता है। तो मुझे कहाँ पे मिला प्रॉब्लम और किस चीज़ का कोड आ रहा था, चलिए दिखाते हैं। अपना जो कोड आ रहा था B10-68-1B साइट एयरबैग सर्किट हाई रेजिस्टेंट ड्राइवर साइट। ड्राइवर साइट बोले तो सीट वाले जो होते हैं ना वो। तो चलिए देखते हैं। देखिए रियर वाला डोर खोलेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चैन है, इस चैन को खोले हम। और यहाँ पे देखिए सीट के अंदर एक ये देखिए एयरबैग दिया हुआ है, साइड एयरबैग ड्राइवर साइड इन्फ्लेटर मॉड्यूल भी इसको बोलते हैं। यहाँ से देखिए क्या किया था, बॉडी शॉप में काम हुआ था कहीं पे। और यहाँ पे देखिए नीचे जो है, नीचे में कनेक्टर खोल के रख दिया था, कोई टेक्नीशियन वगैरह सब वो लगाया नहीं, कहीं इसीलिए कोड आ रहा था। कस्टमर को प्रॉब्लम आ रही थी, मेरे पास आया तो मैंने डायग्नोस किया। तो चेक करने के लिए मैंने इसको भी खोला था। यहाँ पे देखिए एक है, यहाँ पे भी क्या बोलते हैं साइड एयरबैग दिया हुआ है, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा। ये देखिए यहाँ इसी तरह उधर में भी है, चलिए दिखाते हैं। देखिए यहाँ खोलते हैं, ये देखिए यहाँ पर भी एयरबैग दिया, यहाँ से लेके वहाँ तक, ये सिलेक्ट कॉर्नर ये तक दिया। बाकी इस वाले में भी SRS दिया है सिस्टम, इसमें भी चैन खोलिएगा, नीचे में चैन है इसका, चैन खोलिएगा, अंदर में इसका एयरबैग दिया है। तो तीन एयरबैग हो गया हम लोग का, और दिखाते हैं। बाकी देखिए एक यहाँ है, 4-5। और देखिए यहाँ पे जो है अंदर में एक जी सेंसर दिया है, सीधा मैट के नीचे जी सेंसर दिया, ग्राउंड सेंसर। और दो हो गया सीट में अपना, दो यहाँ, 4 और 2 जो है ये और ये, 6 एयरबैग टोटल से दिया अपना। तो प्रॉब्लम जो मिला हम लोग को शॉर्ट आउट किए अभी। तो चलिए प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करने के बाद देखते हैं हुआ कि नहीं। देखिए गाड़ी कर दिया स्टार्ट, ये देखिए वो जो लाइट आ रहा था कुछ सेकेंड के लिए, कुछ सेकेंड के बाद ये खत्म हो गया, तो सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब किया और हमारे साथ जुड़िए, और भी बेहतर वीडियो बनाएंगे आपके लिए। और टेक्नीशियन भाई से अनुरोध है कि आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बढ़ाइए, ताकि मुझे भी और अच्छा लगे कि मैं वीडियो बनाऊँ आप लोग के लिए। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।